नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथंकर विश्व प्रसिद्ध रथजात्रा केवल ओडिशा रे नुहे आज सारा विश्व रे व्यापी जाइछि। ए कलिकता नगरी रो पुस्ता बाजार रे आमे माने समस्ते ओडिया संगठन मिसी आज आम महाप्रभुंर रथजात्रा पालन करुचु। प्रभुंर रथजात्रा पुस्ता ठारू बाहरी ए राजबाड़ी जे मालापड़ार राजबाड़ी ठारे माउसी माँ मंदिर रे प्रभु स्थापित होती। प्रथम दिन पाखु नहीं आज पंचम दिन पर्यंत आज हेरा पंचमी दिन रे आम प्रभुंर अति आनंदर सहकारे पालन करुचु। महोत्सव हेरा पंचमी महोत्सव अगणित भक्त माने प्रभुंर दर्शन दौरान भक्त माने आसी प्रभुंक पाखे प्रार्थना करुँच। आमे भी आनंदित होचु प्रभुंर ए दर्शन दुर्लभ दर्शन। भक्त माने आनंद बजार रे प्रसाद खाई आप्यायित होती। श्री श्री जय जगन्नाथ पूजा कमिटीर यही विचित्र माध्यम एही माध्यम रे प्रभुंर लीला चली। एति कही मु मोर वक्तव्य सांग करुँच। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पूजा कमिटी जो पुस्ता बाजार में केंद्रित है, हर साल की भांति इस बार भी रथ का जो रथ यात्रा निकलता है बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकलता है। हम कह सकते हैं कि बड़ा बाजार एवं पुस्ता का सबसे बड़ा रथ यात्रा यहाँ से निकलता है। और देखिए रथ यात्रा हर जगह निकलता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पुस्ता ये जो जय जगन्नाथ रथ पूजा कमेटी है, आप बीते जो हमारे 8 दिन जो मासीवाड़ी में हमारे जो जगन्नाथ महाप्रभु ठाकुर जी रहते हैं, जिस तरह से जगन्नाथ पुरी में भोग का आयोजन किया जाता है, जिस तरह से वहाँ पे जात रंग रूप नहीं देखा जाता, वैसे ही इस तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बीते कुछ दिनों से सुबह शाम लगातार भोग चलता रहता है। और यहाँ किसी को मना नहीं है, जिसकी इच्छा होती है वो आते हैं। ये हमारी इच्छा नहीं है, कमेटी की इच्छा नहीं है, महाप्रभु जी की इच्छा है। महाप्रभु जी की इच्छा के द्वारा जय जगन्नाथ कमेटी को मैं पूरे मन से एवं सच्चे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम और मुझे सौभाग्य मिलता है कि यहाँ जगन्नाथ ठाकुर जी हमारे यहाँ आते हैं मासी बाड़ी के स्वरूप में। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि और जो ये मंदिर हुआ था तो हमारी माननीय मंत्री हैं पश्चिम बंगाल की शशि पांझा, उनका बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। तो ऐसे ही रहता रहेगा। और इतनी सुंदर से जो पूजा कमेटी करती है, ये आगे बीते साल में हम चेष्टा करेंगे कि इसे और बड़े स्वरूप में करें।